नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात करेंगे झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र की। खानपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसे तो भाजपा के लिए अजय रहा है, वर्ष 2003 से वर्तमान तक यहां पर भाजपा प्रत्याशी ही लगातार जीतते आए हैं और इस समय यहां के विधायक हैं नरेंद्र नागर, जो भाजपा की जो वसुंधरा कार्यकाल रहा है उसमें संसदीय सचिव भी रहे हैं। आज हम यहां के मतदाताओं का मन टटोलने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे कि नेताजी ने किस तरह के वादे किए थे और वो उन वादों को कितना पूरा कर पाए। क्योंकि इस समय हम मौजूद है खानपुर कस्बे के गोजरी चौराहे पर एक पान की दुकान पर, और चर्चा अगर पान की दुकान पर ना हो तो फिर बात ही अलग है। कुछ मतदाता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जानने का प्रयास। सर आपका नाम बताएं। दिनेश कुमार सोनी। दिनेश जी, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, लगातार देखा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव होते हैं नेता आपके पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर कोई नया सा जुलवा देंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। इस बार क्या मुद्दे जो रहने वाले हैं? इस बार मुद्दा ये है, तो अपना जो पुराना बस स्टैंड है उसी रामनाथ का उन्हीं बनाया, अधूरा पड़ा हुआ काफी टाइम से, काम ही रुक गया। बीच में थोड़े बीजेपी के कार्यकाल के टाइम पे वो अतिक्रमण का आया हुआ था स्मार्ट सिटी का, वो काम भी रुक गया। अभी पता नहीं है कैसे रुका, कहाँ अटक गया। तो क्या माना जाए, क्या आखिरकार जो मुद्दे जिनको लेकर नेताजी पिछली बार भी आए थे कुछ पूरे हुए या नहीं हुए अभी तक? नहीं, अभी मुद्दे बाकी है, अभी बहुत सारे मुद्दे बाकी है। अभी क्या चाहता है मतदाता इस बार? मतदाता ये चाहता है कि चेंज होना चाहता है, ये तो स्मार्ट सिटी बने, अतिक्रमण है, अतिक्रमण की समस्या बहुत है कानपुर के अंदर, अतिक्रमण की पूरी कानून व्यवस्था भी सही नहीं है कानपुर की। क्या अभी कुछ टाइम पहले अगर मछलियों का कांड हुआ था काले चलाए मंदिर पे, उसके अभी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, मतलब कुल मिला के कानून व्यवस्था पे भी थोड़ा दबाव जरूरी है। तो क्षेत्र के मतदाताओं का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का यहाँ पर वादा किया गया था, वह पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में कानून व्यवस्था भी यहाँ पर जो है फिलहाल चाक चौबंद नजर नहीं आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति जो है सवाल उठा रहे हैं। कुछ और मतदाता हमारे साथ मौजूद है, एक बार आपका नाम बताएं। अनंत कुमार जैन। अनंत जी, क्या लगता है इस बार कैसी हवा है राजनीति की? राजनीति की देखो हवा तो हम कह नहीं सकते, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, पर ये है कि खानपुर के विकास में ये तो एक तो नालियों की व्यवस्था, नालियों के विकास के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, एक बस स्टैंड, एक अतिक्रमण, ये चीजें विकास के लिए जरूरी है। क्या लगता है क्योंकि इस बार मतदाता चुनाव सिर पर आ चुके हैं, क्या कैसी हवा लग रही है इस बार? देखो हवा का तो हम कुछ नहीं बता सकते, ये तो मतदाता को स्वयं देना पड़ता है। जो पुराने वादे नेताजी ने यहाँ पर किए थे वो कितने पूरे हुए हैं? वादे तो सब पूरे होते हैं, सब फाइलों में होते हैं। तो कुछ दबा हुई सी यहाँ पर मतदाताओं की आवाज दिखाई दे रही है, कुछ युवा भी हमारे साथ, क्योंकि विधानसभा चुनाव ऐसे में शिक्षा चिकित्सा और शहर का अतिक्रमण जैसे मुद्दे गंभीरता के साथ सामने आते हैं, इस बार बात करना चाहेंगे। एक बार आपका भी नाम बताएं। विशाल गोस्वामी। मुद्दों की बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ पर चिकित्सा सेवा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि विकास तो होता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बहुत से हृदय की जो अटैक के बहुत सारे केस आए हैं वो सर्वप्रथम बच गया। यहाँ पर हमारे झलवाड़ भी ऐसी सुविधा नहीं है, कोटा जाते हैं तो बीच में ही वो स्वर्गवास हो जाते हैं, तो सर्वप्रथम मैं चिकित्सा को महत्व दूंगा और यहाँ पर बढ़िया हॉस्पिटल व्यवस्था होना चाहिए। और करें बात चुनाव की तो यहाँ पर हमारे युवा चेहरा आना चाहिए इस बार, क्योंकि एक एक चेहरे से भी कार्य नहीं कर पाता है। कुछ बदलाव चाहते हैं मतलब इस बार जनता? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि जब बड़ी बड़ी पार्टियां परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सब जगह परिवर्तन होना जरूरी है। शिक्षा को लेकर यहाँ पर एक कॉलेज भी खोला गया था दिनों, लेकिन कैसी स्थिति? स्थिति तो देखा जाए तो नाम का ही कॉलेज है, क्योंकि आज जब स्टूडेंट जाएगा तो पेपर कहाँ देगा, वो भी वही झलावाड़ी पेपर रखते हैं, तो इसलिए सारी व्यवस्था होना चाहिए। जब चल रहा है काम पर वो थोड़ा धीमी गति से रहा है तो कार्य तो निरंतर होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का मुद्दा यहाँ पर अभी भी जो है लगभग पूरा नहीं हो पाया है, इसके साथ ही शिक्षा को लेकर जो यहाँ पर महाविद्यालय खोला गया था लेकिन वहाँ पर भी जो है शिक्षकों की कमी यहाँ पर है, बीच बीच में वहाँ पर जो विद्यार्थियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कुछ और मतदाता हमारे साथ है, एक बार आपका भी नाम बताएं। ललित पारिकर।
ललित जी, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है पुराने विधायक जी जो है कितने वादे पूरे कर पाए? सर, उन्होंने जो 90% वादा किया था तो उसमें से उन्होंने 30-40% वादा निभाया भी है। और खानपुर के विधायक है नरेंद्र जी नागर, तो खानपुर की जनता, खानपुर विधानसभा की जनता अभी बदलाव की चाह रही है। कोई भी नया चेहरा है, चाहे भाजपा से आए चाहे कांग्रेस से आए, पर नया चेहरा आएगा तो खानपुर बकानी का विकास होगा, नहीं तो खानपुर बकानी गड्ढे में पड़ा रहेगा। तो कितने नंबर अगर स्थानीय विधायक को फिलहाल देना? मेरे हिसाब से तो विधायक नरेंद्र नागर को 30% नंबर दे सकते हैं। तो क्या समस्या है इस बार? क्या एक तो खानपुर में जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने खानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, तो खानपुर में स्मार्ट सिटी भी आ गई थी, तो खानपुर के जनप्रतिनिधियों ने उसको स्मार्ट सिटी को बनाने नहीं दिया, क्योंकि दोनों तरफ अतिक्रमण थे, तो उन्होंने खानपुर की जनता ने अतिक्रमण नहीं तोड़ने दिया, तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी। खानपुर में दोनों तरफ बहुत नाले हैं, गंदगी सफाई नहीं होती। नगर पालिका मेन मुद्दा तो खानपुर की जनता को नगर पालिका का है, तो कानपुर में इतनी जनसंख्या होते तभी विधानसभा में नगर पालिका नहीं है। आप यहाँ से सांगोद में देख लो, विधानसभा में वहाँ पे नगर पालिका है, खानपुर में इतने अच्छे वोट होते तभी नगर पालिका नहीं है। और खानपुर में सबसे ज्यादा तो महिला चिकित्सालय की कमी है, डॉक्टर नहीं है, तो महिला चिकित्सक की यहाँ पर कमी है, ज्यादा ना अस्पताल की यहाँ पर कमी है। इसके साथ ही जो खानपुर पंचायत समिति को यहाँ पर लगातार नगर पालिका में परिवर्तित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया था, कुछ और मतदाता हमारे साथ मौजूद है, वो उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी केशव कुमार, स्थानीय निवासी हूँ जी। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था काफी बेकार है, काफी गंभीर जब केस आते हैं तो काफी क्षति होती है खानपुर वासियों को, यहाँ से बाहर ले जाने की व्यवस्था नीरे पाती है, और जब डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे नहीं तो चिकित्सा लोगों को मिल भी नहीं पाएगी, और बाहर दुकान चला रहे हैं डॉक्टर साहब तो प्राइवेट तो अंदर कुछ भी व्यवस्था नहीं रहती, समय पे डॉक्टर नहीं बैठते। एक मूलभूत है कि जो मेगा हाईवे है हमारा, इसमें ट्रोमा सेंटर हमारा खुलना चाहिए, ये जनता की मांग भी है। इससे क्या है कि जो हाईवे पे जो दुर्घटनाएं होती ना, उससे तुरंत लोगों को राहत मिले। दूसरी बात है, एक कानून व्यवस्था यहाँ पे बहुत गड़बड़ है साहब, बहुत सारी चीजें ऐसी है यहाँ पे, जैसे मान लो मत्स्य अकैट करते हैं लोग, तालाबों में मछलियां पकड़ते हैं, काफी मारी है अभी खूब समय, एक महीने डेढ़ महीने पहले काफी कछुओं को मछलियों को मारा पकड़ा, बाकी अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई, कार्रवाई नहीं कर पाई। तो मैं चाहूंगा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो, इसके लिए तो परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा सर। तो चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा कुछ सुधार की यहाँ पर गुंजाइश की आवश्यकताएं दिख रही है, इसके साथ ही कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी लगातार यहाँ पर जो है स्थानीय लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नगर पालिका बनाने का वादा लंबे समय से यहाँ पर नेताओं द्वारा किया जा रहा है और ये मांग भी स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाई गई है। एक बार सर आपका भी नाम जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ क्या है, नगर पालिका और स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों रुपए पास हुए, पर वो स्मार्ट सिटी बन क्या? और दूसरी बात, नाली जो बनाए ना स्मार्ट सिटी के अंदर, उसका पानी जगह जगह भरा रहता है क्या? ये गंदगी देख लो आप क्या? और दूसरी बात, नया चेहरा आना चाहिए खानपुर के अंदर क्या? वर्तमान विधायक क्या अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, या जो वर्तमान प्रदेश सरकार है वो उसमें बाधा बनी रही, क्या मानते हैं? सरकार ने तो खूब काम हमारे लिए, मेरे नारे भी ऐसे कोई वो नहीं है क्या, उन्होंने भी अच्छा काम कराया है कुछ क्या, ऐसी कोई बात नहीं है नरेंद्र नागर क्या? तो क्या और सरकार बदलाव चाहते हैं, बस नया चेहरा है। तो कुल मिलाकर जो वादे किए गए थे वो यहाँ पर फिलहाल अगर मतदाताओं की माने तो वो पूरे नहीं हुए, चाहे उसके पीछे प्रदेश सरकार बाधा बनी हुई या विधायक की का खुद का फेल्यूर माने, लेकिन मतदाता अब इस बार खानपुर का जो है वो बदलाव की आवाज उठा रहा है। नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात कर रहे हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र की। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड चौराहे पर इस समय हम मौजूद है, कुछ युवाओं के साथ हम बात करना चाहेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। ट्रैफिक बार बार जाम होता है, नगर पालिका का अभाव है, यहाँ पर हॉस्टल की समस्या भी कमजोर है, यहाँ पर बस स्टैंड की समस्या भी ज्यादा है, और ये बातें पिछले 15-20 साल से देखते आ रहे हैं अपन। ना तो यहाँ पर 20 साल में स्मार्ट सिटी बनी है, न यहाँ पर 20 साल से कोई अच्छा अवकाश हुआ है। बात करें अपन कामकाज की, तो यहाँ पर कामकाज भी 20 साल से कुछ भी नहीं है सर,
औद्योगिक क्षेत्र, किसान भी परेशान है, मंडी में कोई सुनवाई नहीं होती है, कई किसान आते हैं, कई फसलें उनकी बर्बाद हो जाती है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कोई नया उम्मीदवार आए, नया चेहरा आए, इन सबकी समस्याओं को सुने। पिछली बार भी जो कानपुर कस्बा है उसे स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयास किए गए थे, बस स्टैंड की लगातार यहाँ पर सर पिछले 3 बार कार्यकाल चेंज हो चुका है, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, अब कांग्रेस से आ रहे, अभी तक कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे हम कह सके क्या हमारा विकास हुआ हो। 15 साल से वादा होता है और वादे हवा में उड़ जाते हैं, हवाएं बातें होती है। सरकार चाहे चेंज होती रही लेकिन यहाँ का जो विधायक है वो लगातार ही यहाँ पर क्योंकि 3 बार तीसरी बार वो विधायक बने, ऐसे में क्या नेताजी ने जो वादे किए थे वो कुछ पूरे कर पाया? हाँ कुछ तो वादे करे सर, कुछ वादे पूरे करो, अस्पताल का काम करवाया थोड़ा बहुत, और भी कहीं काम करवाए नेताजी ने जो मुझे जानकारी में नहीं है। बाकी ये है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बने, ग्राम पंचायत नगर पालिका स्मार्ट सिटी बस स्टैंड और एक टोल टैक्स की समस्या बहुत ज्यादा है हमारे पास, इस टोल टैक्स से लेकर हम बहुत परेशान हैं। पिछले 20 साल से खोल चुके टोल को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की। तो कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है बाढ़ के दौरान बारिश के दौरान भी बड़ी समस्याओं से जूझना होता है यहाँ पे। हाँ सर ये टोल सेंटर बनना चाहिए, पानी की निकासी गाँव के बाहर निकल जाए, अगर ज्यादा बरसात हो जाती है उसके बाद हमारे पास क्या पानी गाँव में जाता है ऑटोमेटिक। तो डाइवर्जन चैनल की यहाँ पर स्थानीय मतदाताओं की मांग है क्योंकि जो बारिश के दौरान यहाँ पर कस्बा पूरी बाढ़ की चपेट में आ जाता है, ऐसे में एक डाइवर्जन चैनल हो जिससे शहर की जो बाढ़ की समस्या है उससे भी निजात मिले। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद है, फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, नेताजी फिर आएंगे आपके पास बिल्कुल करने के लिए, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान करेंगे? देखो सारा विकास बकानी क्षेत्र में होता है, कानपुर क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा। 15 साल से हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार को, कानपुर में 15 साल से कंटिन्यू है, बाकी कानपुर साइड में कोई विकास नहीं होता है, सारा विकास उधर बकानी रेड लाइट साइड होता है। तो चिकित्सा सुविधाओं में यहाँ पर कमी है, इन चीजों को लेकर मतदाताओं को काफी नाराजगी यहाँ पर है। कुछ और भी हमारे साथ शहर के नागरिक हैं जो जिनसे जानना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वे जाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं देखा जा रहा है क्योंकि फिर अब चुनाव नेताजी आएंगे और फिर आएंगे, वादे करेंगे, घूमेंगे, जाति के नाम पर वोट लेंगे, जाति और धर्म के नाम पर वोट लेंगे और चले जाएंगे। ये होता जो यहाँ मूलभूत जो सबसे बड़ी समस्या है डाइवर्जन चैनल की, हर साल पानी की बारिश में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चिकित्सा संबंधित है, केलों को तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे, लेकिन कभी कोई डॉक्टर परमानेंट एक दो डॉक्टर है जो रहते हैं, महिला चिकित्सक कभी रहा ही नहीं जब से पुराने थे। तो ये अस्पताल में जाते हैं भीड़ भयंकर रहती है, एक दो डॉक्टर बैठे रहते हैं, बाकी घरों में बैठे रहते हैं डॉक्टर। परवन का भी यहाँ पर काम चल रहा है बहुत धीमी गति से चल रहा है, अब तक पता नहीं उसका कितना काम हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन धीमी गति से चल रहा है काम, अब तक तो काफी हो जाना चाहिए था उस काम को। नगर पालिका की ना सबसे बड़ी पंचायत, हाँ ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है कि राजस्थान में सबसे बड़ी पंचायत होने के बाद में इस शक्ति को नगर पालिका ने बनाया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था, कुछ राजनीतिक दबाव से कुछ अपने दबाव से प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दिया। क्षेत्रीय मतदाताओं को खासी नाराजगी यहाँ पर है, खानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं हो पाया है, तो वहीं बाढ़ के दिनों में जो हालात यहाँ पैदा होते हैं उनमें भी कहीं पे भी सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। आगे शहर के कुछ और मतदाताओं से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि नेताजी के एग्जिट पोल में कि क्या है इस बार बदलाव की बयार है या पुराने नेताजी के द्वारा किए गए वादे उन्होंने पूरे किए। नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात कर रहे हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र की, खानपुर कस्बे के हवारा चौक पर इस समय मौजूद है। यहाँ के मतदाताओं से हम जानना चाहेंगे, उनका मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि जो पूर्व विधायक है उन्होंने कितने वादे किए थे और कितने वादों को वो पूरा कर पाने में सफल रहे, इस बार कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में प्रमुख रहेंगे। खानपुर के प्रमुख मुद्दे जैसे कि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है नगर पालिका प्लस बस स्टैंड, खानपुर लगभग 5-6 किलोमीटर लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। माता बहने हम देखते हैं कि लगभग 6-6 किलोमीटर एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर बस पकड़ने के लिए, जैसे जलावार से पकड़ी तो अगर अटरू रोड पकड़ने तो उसको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा साहब।
झालावाड़ 12 रोड से अगर उसने सारदा रोड की पकड़ी तो 6 किलोमीटर बाद चलना पड़ेगा। एक हाथ में बच्चा है, माथे पे बैग है साहब, एक हाथ में उंगली पकड़े हुए 6 किलोमीटर जब चलती है, गर्भ से भी बहुत सी माता बहनें रहती है, हम उनकी स्थिति को देखते हैं कि वाकई क्या स्थिति है। 6-7 वर्ष पहले यहाँ पर बस स्टैंड का निर्माण हुआ था, जिसकी 4 दीवारी लगभग 12 फीट की हो चुकी है और लगभग 3 महीने का टाइम था कि 3 महीने में उद्घाटन भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है 6 साल हो गए, 3-6 साल हो गए इस महीने प्लस। हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है साहब, लगभग 8-10 वर्षों से हमारी माता बहने किस प्रकार से उनका इलाज या किस प्रकार की मतलब वो जो समस्या है परेशानी है मर्म जानने वाला ही जान सकता है साहब। तीसरी है सबसे बड़ी समस्या, कानपुर में आज दुगनी जनसंख्या है साहब, दुगनी नगर पालिका हो सकती है लेकिन नगर पालिका नहीं हुई है साहब, यहाँ का जनसंख्या का आकलन तो कराओ साहब, और नगर पालिका का यहाँ पर कितनी बार लॉलीपॉप भी नेताओं के द्वारा दिया गया है हमें कि हाँ हम नगर पालिका बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन ऐसा आज दिन तक कोई भी जो प्रमुख समस्या है कस्बे की, मात्र 3 ही समस्याएं थी, चिकित्सा की, रोड परिवहन की और बस स्टैंड की। इस प्रकार की हाँ ये हम मानते हैं खानपुर की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की साहब, पानी से बड़ी कोई समस्या थी नहीं थी, उसको वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहले तो भीमसागर से उसके बाद में 22 किलोमीटर दूर से जलदायु पाइप लाइन के द्वारा वो जो पानी खानपुर में पहुंचाया जा रहा है आज उससे पी लिया, जिस प्रकार पहले बहुत सैकड़ों आदमी यहाँ पर पी लिया की बीमारी से मर चुके हैं साहब, लेकिन आज उन मैडम की देन है वसुंधरा जी राजे सिंधिया जी की, जो हमारे महामहिम यहाँ के गृह क्षेत्र है उसका, उनकी देन है जो कि पाइपलाइन के जरिए खानपुर में पानी आया, आज हम स्वस्थ है, नहीं तो अन्यथा हर वर्ष यहाँ पर पीलिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी। यानी नेताओं से मतदाता का जो है विश्वास उठ चुका है, ये यहाँ के मतदाताओं का कुछ का कहना है, कुछ और लोग भी हमारे साथ है शहर के युवा, विधानसभा चुनाव का 2023 का जो है चुनाव आ रहा है, नेता रोड रोड पर वापस सोचने लगे मतदाताओं, तो ऐसे में क्या शहर की समस्याएं हैं, क्या पूर्व नेता इसमें उन समस्याओं को समाधान कर पाने में सफल रहे, या इस बार जनता का क्या मुद्दा विशेष रहने वाला है? जी सबसे बड़ा मुद्दा तो खानपुर में नगर पालिका ही है, बाकी पिछली वसुंधरा सरकार में यहाँ पे एयरपोर्ट प्रस्तावित हुआ था, उसका काम जिस गति से चल रहा है आप लोग आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहे हो। दूसरा मुद्दा है कि ये खेत किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसके बावजूद भी यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं है, तो इस बार सरकार से ये मांगे कि यहाँ पर कम से कम एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, जिससे कि यहाँ के युवा खेती किसानी से जुड़े, कैसे उन्नत बीज क्या है उसका पूरा हो। दूसरा रोजगार के साधन कम है, यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार की समस्याएं यहाँ पर आपने क्योंकि उनको पूरा करने की बड़ी आवश्यकता यहाँ पर है, क्या लगता है इस बार जो प्रदेश जो कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं वो उसमें स्थानीय विधायक का फेलियर माने है या प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं बाधा बनी जी? इसमें तो प्रदेश सरकार ही पूरी तरह से फेलियर है। तो युवाओं ने अपनी शहर की समस्याओं से यहाँ पर अवगत कराया है, रोजगार की बड़ी समस्या यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर हुआ करते थे वो पूर्व में जो थे वो बंद हो गए हैं, इसके साथ ही एयरपोर्ट का जो कार्य है वो भी काफी धीमी गति से चल रहा है। कुछ और युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार आपका भी नाम बताएं। नीतम पारिक। नीतम जी, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है इस बार किसे चुनना चाहेंगे? हाँ सर, जो काम कराए उसको चुनना चाहेंगे। क्या लगता है जो जिन्होंने जिन नेताजी को आपने पिछली बार चुना था तो कुछ काम में सफल रहे या नहीं रहे? बहुत से कामों में सफल भी रहे, बहुत से काम पेंडिंग भी पड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ पे महारानी साहिब आई थी वसुंधरा जी, जिन्होंने कानपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया था और उसमें थोड़ा बहुत काम भी हुआ, लेकिन वो काम ठंडे बस्ते में चला गया। यहाँ के लोगों की भी मांग थी कि भाई कानपुर स्मार्ट सिटी बने, लेकिन कुछ लोगों की जैसे वह भी संडे बस्ते में चला गया, और जनता तो चाहती है कि भाई कानपुर एक स्मार्ट सिटी बने, नगर पालिका क्षेत्र बने, ताकि यहाँ के लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिले। अभी यहाँ चौराहे का हाल देख लो, आए दिन यहाँ पौने चौराहे भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, कभी कोई मर जाए कर जाए, तो यहाँ की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो क्षेत्र के मतदाता कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं कानून को लेकर वो पूरी तरीके से ध्वस्त दिखा के जो यहाँ पर मतदाताओं का आरोप है। आपका भी नाम बताएं। मेरा नाम बिनु अर्जुन जी है सर। जी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है इस बार परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होगा तभी कुछ विकास हो पाएगा। पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने यहाँ पे बहुत घोषणाएं की थी, लेकिन जैसे सरकार
का चेंज हुई तो सारी घोषणा अधूरी रहेगी। जैसे भी बताया गया बस स्टैंड अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसका कोई पता नहीं है कब पूरा हुआ नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या है रोड ट्रैफिक जाम की, मार्केट में इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि आपको निकलने में 1 किलोमीटर चलने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। इतनी सगड़ी गलियां हो रही है, चारों तरफ रोड पे गाड़ियां खड़ी खड़ी रहती है, दुकानदार भी रोड पे सामान रखते हैं, पुलिस प्रशासन देखता है देख के निकल जाता है, बाहर के लोगों को रोक लेता है पकड़ लेता है गाड़ी जब्त कर लेता है, बाकी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं करता है। ये जो समस्या है इनके पीछे क्या माना जाए कि जो क्षेत्रीय विधायक है उनका फेलियर रहा है? क्षेत्रीय विधायक तो आते हैं और उनके हिसाब से देख के निकल जाते हैं चले जाते हैं, उनका तो मुझे नहीं लगता कोई ध्यान नहीं जाता। क्या मतदाता किस तरह के व्यक्ति को चुनना चाहेगा? भाई मतदाता जो एक्टिव हो, क्षेत्र पे ध्यान दे, लोगों के साथ जुड़ा रहे, ऐसा विधायक होना चाहिए। आगे विधानसभा में समस्याएं उठाए, देखे क्या हो रहा है, लोगों से पूछे उनकी समस्याएं क्या है क्या नहीं है, आते हैं चले जाते हैं, वोट लेने से मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बाबू जी आप भी लंबा समय आपने यहाँ पे शहर में गुजारा है, क्या लगता है क्योंकि अभी भी ग्राम पंचायत बना हुआ इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र नगर पालिका होना चाहिए? और समस्या तो यहाँ खानपुर की बहुत बड़ी है, आप बस स्टैंड देख लो, आप बस ग्रामीण क्षेत्रों से लोग वहाँ आते हैं, उनको काफी समस्या का इधर उधर ढूंढना पड़ता है बस के लिए, कभी तो दही कड़ा चौराहे पे खड़ी होती है बसें, कभी पुराने बस स्टैंड पे जाती है, और यहाँ आवागमन के कोई ऑटो रिक्शा वगैरह ऐसा चलता नहीं है, लोग बाइक परेशानी है, बनना चाहिए। लंबा समय हुआ क्या खानपुर में कुछ बदलाव हुआ? बदलाव के नाम पे सब कुछ भी नहीं है, जैसे होना चाहिए विकास ऐसा विकास हो नहीं रहा। विधानसभा चुनाव में क्या चाहता है मतदाता? चाहता है कि बढ़िया अच्छा नेता मिले सरकार में, बढ़िया काम हो लोगों का। तो क्षेत्र के मतदाताओं से हमने चर्चा की है खानपुर विधानसभा क्षेत्र के, कुछ लोग हालांकि यहां पर विधायक के कार्यकाल से उनकी कार्यशैली से काफी संतुष्ट है, लेकिन वहीं कुछ मतदाता जो चाहते हैं कि शहर में जो पुराने वर्क हैं वो पूरे हो, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है एक बदलाव की भी वो यहां पर मांग करते नजर आ रहे हैं। महेश परिहार, जी मीडिया, झालावाड़।